रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसफा चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मज़ेदार मिसाले वाला गोश्त। जी जनाब, इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए? मुझे गोश्त चाहिए जो मैंने अपने हिसाब से ले लिया है। टमाटर, दो अदद मैंने टमाटर लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, प्याज लिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, ये देखिए मैंने गोश्त को पहले ही गला लिया है क्योंकि बड़ा गोश्त बड़ी मुश्किल से गलता है। हल्दी, नमक और प्याज डाल के, क्योंकि प्याज भी अमूमन बहुत देर से गलते हैं। बड़ा गोश्त तो बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, बच्चों को खाना चाहिए। हमारे घर में बच्चे हैं तो इसलिए मैं बड़े गोश्त बनाती हूँ। देखिए बड़ा मज़े का मिसाले वाला गोश्त, मैंने प्याज डाले हैं और साथ ही नमक डाला है, हल्दी डाली और गोश्त को गला लिया है। अब मैं इसमें और मिसाले ऐड करती हूँ। अब एक चम्मच हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, पेस्ट डालेंगे, टमाटर इसमें और थोड़ी सी सब्ज़ी मिर्ची डालेंगे। जी जनाब, अब हम इसकी भुनाई करेंगे। क्योंकि प्याज भी नहीं गलते इसलिए मैंने इसको गोश्त के साथ ही कुकर में बना लिया था, क्योंकि कढ़ाई में गोश्त बनाना तो बहुत मुश्किल लगता है। आधा घंटा तो कम से कम इसमें लगेगा कढ़ाई में खुला बनाने से। ये देखें, टमाटर भी अभी घुलने लगे हैं और सारे मिसाले। अब हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। हाँ जी, गोश्त तो गल चुका है हमारा, बहुत आसान है बनाना। जी जनाब, अब हमारा सालन तैयार होने वाला है। इसमें हम थोड़ा सा इसको पहले ढक देंगे ताकि थोड़ी बहुत स्टीम में ना ये बन जाए, थोड़ा बहुत जो गोश्त गला हुआ है थोड़ा सा और गल जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बन था। हाँ जी, अब इसको हम कवर करेंगे, ये स्टीम पे बनता रहेगा थोड़ी सी देर के लिए ना। फ्लेम को हम थोड़ा सा कम करेंगे और इसको बनने के लिए रख देंगे। जो थोड़ी बहुत इसमें कसर रह गई है गोश्त पे, तो ये गल जाएगा। जी जनाब, अब हम इसे खोलेंगे, चेक करेंगे। जी, पानी हमारा खुश्क हो रहा है। जी, अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही मैंने डाली है, अभी मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। भुनाई जितनी अच्छी होगी उतना सालन आपका अच्छा बनेगा। भुनाई को अच्छी तरीके से करें। और मैं आपको एक टिप भी दे दूँ, तीसरा कलमा पड़ते हुए आप इसकी भुनाई करें, आप सालन में टेस्ट भी आएगा और बरकत भी होगी खाने में। जी जनाब, अब हमारा हो गया है खाना रेडी। ये देखिए जी जनाब, अब हमारा मज़ेदार मिसाले वाला गोश्त तैयार। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए, और हरी मिर्चें डालें। जी जी, हरी मिर्चें। जी जनाब, कैसा लगा हमारा मिसाले वाला गोश्त? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।